विद्युति कल्पना जलम गंभीर उदार मूर्तये नमान समन्ता भद्रया समन्ता त्रिशे। इस सभा में उपस्थित पूज्य भिक्षु संघ लद्दाख बौद्ध संघ की अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यगण, युवक संगठन के सदस्यगण, महिला संगठन के सदस्यगण और बौद्ध संघ की विभिन्न स्थानीय कार्यकारिणीगण, आप सबके साथ यहाँ साक्षात मिलने की और कुछ वार्तालाप करने की मुझे अवसर दिया गया है। इसके लिए मैं सभी संगठन के पदाधिकारियों का आभार मानता हूँ, क्योंकि आप लोगों से विचार विमर्श करना एक स्वावसर और एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य मानता हूँ। लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है आज संपूर्ण विश्व में अपना विशेष अस्मित्व और पहचान रखते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, प्रजात की दृष्टि से, भाषा एवं संस्कृति की दृष्टि से और परंपरागत जो सभ्यता की दृष्टि से एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है और संपूर्ण विश्व में इसका एक अपना पहचान है। इस पहचान को बनाए रखना सभी नागरिकों की दायित्व है और कार्य भी है। ये इसलिए नहीं कि यह हमारा सांस्कृतिक है, हमारा परंपरा है, इसलिए जीवित रखना चाहिए। यह सांस्कृतिक और यह परंपरा समस्त सत्वों की, जीव मात्र की लाभदायक और प्रासंगिक हैं। आज इस संस्कृत की ओर संपूर्ण विश्व आशा भरी निगाह से देख रहे हैं, तो इसलिए यह हमारा दायित्व बनता है जो हमारे पूर्वजों ने हजारों हजार वर्षों से जो संजोए के रखे हुए इस सांस्कृतिक धरोहर को संपूर्ण विश्व के लिए हम साझा करें और उसके लिए हम अपने योगदान दे सकें। सर्वोदायित्व इसको कहते हैं। परमपावन दलाई लामा जी, 14वें दलाई लामा जी का एक विशेष उपदेश है जो बौद्ध धर्म पर आधारित हैं और आधुनिक के विचार के साथ भी प्रासंगिक रूप से चलते हैं। वह है सर्वोदायित्व, यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर्वोदायित्व की अर्थ यह है कि हम एक मनुष्य होने के नाते संपूर्ण जगत के लिए हमारा एक बहुत बड़ा दायित्व होते हैं। वो दायित्व वह हैं, यह हैं कि संपूर्ण मानव मात्र की या जीव मात्र की, सत्व मात्र की हित के लिए सोचें और कुछ करें।
ऐसा कोई कार्य ना हो हमसे जो किसी भी एक या अनेक सत्वों का अहित होता हो, हिंसा होता हो। ये हमारा धार्मिक के कर्तव्य तो है ही हैं। अगर हम धर्म को नहीं मानने वाले भी हो, तभी एक मनुष्य होने के नाते ये दायित्व हमको निभाना होता है। तो इसलिए इस दायित्व का बोध हमें होना अत्यंत आवश्यक है। जैसा मैंने कहा, लद्दाख एक विशेष क्षेत्र है। आज संपूर्ण विश्व में इसका अपना अस्मिता रखते हैं। यह एक तो भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम रहा, भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम रहने की लाभ और हानि दोनों होता है। बहुत बड़ा लाभ यह हुआ कि भारतवर्ष लगभग 400 वर्ष से अधिक, करीब 500 वर्ष के आसपास विदेशों की कब्जा में रहे, विशेषकर तत्कालिक 200 साल के आसपास ब्रिटिश की हुकूमत रहा, ब्रिटिश शासन रहा। उस शासन काल में समस्त भारत की जो क्षेत्र हैं उनका सांस्कृतिक और उनकी परंपरा लगभग विलुप्त हो गए, नष्ट हो गए। बौद्ध धर्म भारतवर्ष में उदय होते हुए भी यहाँ से संपूर्ण रूप से विलुप्त हो गए। जो बाह्य ताकतों की आक्रमण के कारण, तो उन सब समय में इस दुर्गम क्षेत्र में एक बचाव रहा। कोई भी विदेश बल या शासक यहाँ पर आ भी गए तो थोड़े देर के लिए, फिर स्थायी रूप से कोई काम नहीं कर पाए। तो इसलिए हमारा ऐतिहासिक और परंपरा की जितना भी धरोहर थे वो संरक्षित रहा। भारत स्वाधीन होने के बाद यहाँ पर आपने सांस्कृतिक की और अस्मिता की विकास के लिए बहुत कुछ कर पाया। आज भी भारतवर्ष में जो कुछ प्राचीन भारतीयता, चाहे वो बौद्ध सांस्कृतिक के रूप में हो, चाहे वो अन्य कोई भी परंपरा के रूप में हो, उसका स्रोत मात्र दुर्गम हिमालय क्षेत्र में बसे हुए लोगों के बीच में है। उसमें लद्दाख एक अपना विशेष महत्व रखते हैं अनेक दृष्टिकोण से। तो इसलिए यह गत 400-500 वर्षों की मध्य में भारतवर्ष में जो तहस नहस होने के समय में यहाँ पर बचे रहे अपने परंपरा को, अब आज स्वाधीन भारत की संदर्भ में और इसके विकास के क्रम में इसका संरक्षण और संवर्धन करना विशेष हमारे दायित्व है। क्योंकि जो हमने भारत की मैदानी इलाके में सांस्कृतिक और परंपराओं का विलुप्त हो रहे थे, उस समय बहुत कठिनाई से हमने जो संजोग करके सुरक्षित करके रखा हुआ, स्वाधीन भारत के विकास के क्रम में लुप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, तो उससे ज़्यादा
हानि क्या हो सकते हैं, उससे ज़्यादा हमारे अकर्मण्यता क्या हो सकते हैं। तो इसलिए इस बात की और विशेष रूप से देखने की आवश्यकता है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख बौद्ध संघ की इतिहास थोड़ा बहुत मुझे भी ज्ञात हैं। ब्रह्मभवन कुशोभकुला जी के साथ मेरे बहुत लंबे संसर्ग रहा है। प्रथम बार 1957 में जब वो तिब्बत में आए थे, तब लघु मुलाकात हुए, फिर 59 में जब हम लोग शरणार्थी होकर आए थे तो कुशभ साहब विशेष रूप से हमसे मिलने के लिए कालिम्पोंग पधारे थे। तब से जब तक वो रहे हमारा बहुत निकट संबंध रहा। तो बुद्धिस्ट एसोसिएशन की, गुम्बा एसोसिएशन की सारे गतिविधियां वो बताया करते थे। तो इसलिए नए भारत के निर्माण में लद्दाख और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उस योगदान को संभवतः बहुत लोग पहचानते नहीं होंगे, क्योंकि हमारा सांस्कृतिक और हमारा सभ्यता प्रचार उन्मुख नहीं है। हम काम करते हैं और कार्य संपन्न होते हैं तो उसमें हम संतुष्ट रहते हैं। तो इसलिए आज जो लद्दाख की वैभव है, वैभव मैं आर्थिक रूप में नहीं कहता हूँ, धर्म सांस्कृतिक शैक्षणिक और सभ्यता की जो वैभव है, ये आप सबका योगदान है, देन है। और जिसको देखने के लिए, जिससे लाभान्वित होने के लिए संपूर्ण विश्व के लोग यहाँ पर आते हैं, सीखते हैं और यहाँ के संदेश अपने अपने क्षेत्र में लेकर के जाते हैं। परंतु आज तक जो हम जो कुछ कर पाए हैं वह आने वाले 100 वर्षों में, जो बीते हुए 17 वर्षों की जो इतिहास हैं, उस इतिहास की वैभव को यथावत बना करके हम आने वाले 100 वर्ष तक रखने की आश्वासन आप सब पास हैं या नहीं है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर आने वाले 100 वर्षों तक इस वैभव को आप रखने की क्षमता, संकल्प और प्रयास और उसके लिए योजना और दृष्टिकोण अगर आपके पास हैं तो अति उत्तम है। यदि वो आपके पास नहीं है, उसमें कुछ संशय है, तो आपको बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा और कार्यक्रम बनाना पड़ेगा, दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा, जिसके बिना हम अपने कर्तव्य को ठीक से निभाया हूँ ऐसा नहीं कह सकेंगे। पूर्व काल में, बीते हुए समय में हम लोगों की चुनौती कुछ और थे। आर्थिक पिछड़ापन, आधुनिक शिक्षा के पिछड़ापन, ढांचागत सुविधाओं की अभाव,
यह एक प्रकार से हमारे सामने चुनौती थी। लेकिन ये सारा चुनौती भौतिक चुनौती थे, बाह्य शारीरिक तौर पर सामना करने वाले चुनौती थे। इन चुनौतियों से हम बहुत भले प्रकार सामना करके सफलता प्राप्त कर चुके हैं। आज का चुनौती आंतरिक और मानसिक है, जिसका दृष्टिगोचर नहीं होता है। जिन चुनौतियों को अधिकांशतः हम समझते हैं कि ये चुनौती नहीं है, यह एक सुविधा है और एक प्राप्य लक्ष्य है, इसको हमें प्राप्त करना चाहिए, ऐसा हमें विदित होता है। तो इसलिए इन चुनौतियों को पहचाना और पहचानने के पश्चात उससे हम कैसा सामना कर सकते हैं, इसके उपाय खोजना, ये दोहरा काम हमारा सामने है। आज हम सबके द्वंद, जैसा मैंने पहले कहा, आर्थिक के पिछड़ापन, आधुनिक शिक्षा के अभाव, यातायात आदि ढांचागत सुविधाओं का अभाव नहीं है, वो सब अभाव एक प्रकार से दूर हो चुके हैं। अब नए चुनौती हैं मनुष्य की मानसिक के संरचना। आज समस्त परंपरा जिस चुनौतियों से द्वंद कर रहे हैं, वह आधुनिकता, आधुनिकीकरण और परंपरा, इसके बीच में है। परंपरा और आधुनिकता एक साथ नहीं चल सकते हैं, ऐसा मानने वाला भी बहुत लोग हैं। इस प्रकार की संप्रदाय बहुमात्र में हैं। अगर हम अपने को आधुनिक बनाना है तो परंपरा को छोड़ना होगा। परंपरा एक पिछड़ापन की लक्षण है, जिसको छोड़े बिना हम पूर्ण रूप से आधुनिकीकरण नहीं हो सकता है, ऐसा मानने वाले भी लोग हैं। मूलतः आधुनिक साइंस आधारित हैं और परंपरा धार्मिक आधारित हैं, धर्म पर आधारित हैं। साइंस और धर्म एक साथ नहीं चल सकते हैं। इस तर्क पर, इस सिद्धांत को बनाए हैं। एक दूसरा परंपरा है, दूसरा संप्रदाय है कि परंपरा को छोड़े बिना, परंपरा को संपूर्ण रूप से संरक्षित रखते हुए मनुष्य अपने को आधुनिक और उत्तर आधुनिक तक जाने में ज़्यादा सक्षम है। जो परंपरा से जीने वाले लोग परंपरा रहित जीने वाले लोगों से ज़्यादा उत्तराधुनिकता में जाने में सक्षम है,
ऐसा मानने वाला धीरे धीरे वृद्धि हो रहा है। आज संपूर्ण विश्व में इस संप्रदाय वाला भी काफी मात्र में उपलब्ध हैं, और मैं देखता हूँ पिछले 50 वर्ष में इस संप्रदाय वाला कितना वृद्धि हुआ है, विकसित हुआ है, और अपने अपने तर्क के बल पर अपने को ठीक ढंग से 21वीं सदी में प्रस्तुत किया है और अपनी क्षमता प्रदर्शित किया है। तो इसलिए हमें इस संप्रदाय को चयन करना होगा, चुना होगा, और उसको और ठीक से विकसित करके लोगों को दिखाना होगा। परंपरा की संरक्षण और संवर्धन जो समय के उत्तराधुनिक की सभ्यता से टकराव ना हो और उसको साथ लेकर के चल सकें, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो हमारा परंपरा है वह आधुनिक साइंस के विकास के साथ चल सकें, परंपरा से साइंस वालों को लाभान्वित हो, और साइंस वाले ये देखें कि जो हम आज तक खोज नहीं पाए हैं, साबित नहीं कर पाए हैं, वह परंपरागत विद्या से सहायता लेकर के उनके सहयोग से हम अपने लक्ष्य पर कैसा पहुंच सकते हैं, यह एक दृष्टिकोण संपूर्ण जगत में स्थापित करने की आवश्यकता है, और वो कर सकेंगे, और उसमें आप लोगों की, लद्दाखियों की, लद्दाख बौद्ध संघ की बहुत बड़ा योगदान होगा। यह कार्य और यह कर्तव्य आपको पहचानने की आवश्यकता है और उसको ठीक से समझने की आवश्यकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनका वक्तव्य है, वो बेचारा बहुत बौद्ध धर्म को अध्ययन करने की अवसर तो नहीं मिले थे, लेकिन उनको एक मोटा मोटी बौद्ध सिद्धांतों का जानकारी थे। तो उनका कहना था कि अगर भविष्य में कोई भी धर्म साइंस के साथ चलने के योग होगा या चलना होगा तो वो मात्र बौद्ध धर्म होगा। उनका ये एक प्रकार की भविष्यवाणी रहा। आपको विदित है परम पावन 14वें दलाई लामा जी गत 35 वर्षों से आधुनिक साइंस वालों के साथ संवाद कर रहे हैं, और उस संवाद का एक संस्थागत नियोजन हो चुके हैं माइंड लाइफ इंस्टीट्यूट के नाम से, और साइंस और धर्म के संवाद की अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 25 या 26 बार हो चुके हैं, निरंतर हो रहा है। इससे दोनों को बौद्ध सिद्धांतों को और आधुनिक साइंस को परस्पर सहयोग मिल रहे हैं, परस्पर लाभान्वित हो रहे हैं, और जिससे
आधुनिक साइंस के जो दिशा है उसमें मूल चूल परिवर्तन हो रहा है, उनके दृष्टिकोण बदल रहे हैं, ये अच्छे लक्षण हैं। विशेषकर भविष्य में जो मनोवैज्ञानिक साइंस हैं या न्यूरोलॉजिकल साइंस हैं या भौतिक साइंस हैं, फिजिक्स जिसको कहते हैं, और उसके अतिरिक्त बहुत सा साइंस के साथ चलने वाले विद्याओं के साथ बौद्ध साइंस और बौद्ध दर्शन, ये दोनों कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे। दलाई लामा जी ने बौद्ध वांग्मय को, बौद्ध साहित्य को तीन वर्ग में वर्गीकृत किया है, बौद्ध धर्म, बौद्ध साइंस और बौद्ध दर्शन, द रिलीजन, द साइंस एंड द फिलॉसफी। ये तीनों एक दूसरे के अंग होते हुए भी और तीनों पृथक हैं। जो धर्म नहीं मानने वाले हैं फिरंगी भाषा में नॉन बिलीवर्स कहा जाता है, जिसका कोई आस्था नहीं है किसी भी धर्म में, वह भी बौद्ध साइंस और बौद्ध दर्शन से बहुत कुछ लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि दर्शन और साइंस वो धर्म से पृथक हैं, अतिरिक्त हैं। धर्म के साथ वो जोड़ते हैं तब वो धर्म के साथ चलते हैं, अगर वो धर्म से अलग कर दिया जाए तो एकमात्र एक धर्म निरपेक्ष विद्या हो जाता है। सो उस धर्म निरपेक्ष विद्या के साथ आधुनिक कर्म में कोई द्वंद्व नहीं है, कोई विरोध नहीं है, तो वो साथ चल सकते हैं। तो इस कार्य को आप लोगों को करना है, इस कार्य को करने के लिए एक बुनियादी मूलभूत आवश्यकता ये है, सबको बौद्ध दर्शन की, बौद्ध साइंस की और बौद्ध धर्म की जानकारी लेना अत्यंत आवश्यक है। बौद्ध धर्म मात्र श्रद्धा पर चलने वाला नहीं है, बौद्ध धर्म श्रद्धा और प्रज्ञा सम्मिलित होकर के चलने वाले हैं। बौद्ध इतर जितना भी भारतीय परंपरा है उसमें ये दोनों चलता है, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। बौद्ध धर्म में भक्ति मार्ग नहीं है, मात्र ज्ञान मार्ग है, तो इसलिए मात्र श्रद्धा से बौद्ध धर्म का उपासना नहीं हो सकते हैं। बौद्ध धर्म का प्रयोग नहीं हो सकते हैं, उसमें प्रज्ञान की आवश्यकता है। तो इसलिए आप लोग गांव-गांव में रह करके धर्म की और समाज की कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए निराश्रित व्यक्ति को भी धर्म की बुनियादी ज्ञान दिया जा सकता है और पढ़े लिखे लोगों को तो बहुत सरलता से दिया जा सकता है। तो इसलिए मैं ये आपसे संस्तुति करूंगा, निवेदन करूंगा
कि इस संस्था के माध्यम से, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के माध्यम से, क्योंकि आप बहुत सक्षम संगठन हैं, संस्था है, आपके पास सुविधाएं हैं, आपके पास मानव शक्ति हैं, तो इसलिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब अपने क्षमता को, अपने शक्ति को ठीक ढंग से संकलन करने की और पहचानने की भी जरूरत है। धर्म की शिक्षा के लिए एक दिन की, पाँच दिन की, दस दिन की, एक महीने की ऐसा पाठ्यक्रम निर्माण करें। ऐसा पाठ्यक्रम जो पढ़े लिखे हैं उन लोगों के लिए अलग निर्माण करें, जो निराक्षर हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों के लिए अलग निर्माण करें, जो मौखिक रूप से कहा जा सकें। तो इसलिए गांव-गांव में ऐसा पाठ्यक्रम को चलाया जाए, एक महीने में एक तीन दिन की पाठ्यक्रम अगर चलाया जाए तो उसमें गांव वालों की अपने देने की कार्य में भी ज़्यादा हानि नहीं होंगे, बाधा नहीं होंगे। और अगर एक महीने में तीन दिन का पाठ्यक्रम चलें तो साल में 12 महीने में उसी हिसाब से करीब 26 दिन की पाठ्यक्रम हो जाता है। उसको अच्छे तरह से अधिगम किया जाए तो बहुत कुछ धर्म की जानकारी मिल सकते हैं। हमारे समाज में श्रद्धा का कमी नहीं है, परंपरा की कृपा से और कुटुंब की और परिवार की जो संस्कार की कृपा से समय श्रद्धा है। उस श्रद्धा के साथ प्रज्ञा की योगदान अवश्य होना चाहिए, जिससे मात्र श्रद्धा जो है वो अंधविश्वास के रूप में ना रह जाए। जो श्रद्धा करते हैं उसके पीछे क्या तर्क हैं, क्या कारण हैं, क्या उसकी व्याख्यान हैं, वो ठीक से जान सकें। हम बुद्ध धर्म और संघ की शरण जाते हैं तो बुद्ध क्या है, धर्म क्या है, संघ क्या है, उसका एक संक्षिप्त अर्थ या उसकी व्याख्यान समझ में आवे, ताकि हम लमल चपसु संजल चपसु जब उच्चारण करते हैं तो मन में लमा क्या है, संगे क्या है, चु क्या है, उसका एक प्रतिबिंब, उसका एक संज अपने दिमाग में हो सकें। और उसी तरह से जहाँ सुविधा है और जहाँ उसकी व्यवस्था हो सकें तो 10 दिन की और महीने की पाठ्यक्रम चलावें। ये नितांत आवश्यक हैं कि जिस धर्म के प्रति आपके हृदय में अपार श्रद्धा है, उस श्रद्धा को अंधश्रद्धा के रूप से, एक प्रज्ञावान श्रद्धा के रूप में, बौद्ध वांग्मय में परिभाषिक शब्द हैं धर्म अनुयायी और श्रद्धा अनुयायी। धर्म अनुयायी उसको कहते हैं जो तीक्ष्ण बुद्धि की होता है, तो धर्म को समझ करके श्रद्धा करते हैं। श्रद्धा अनुयायी वो होता है धर्म को बिना समझे या कम समझ के साथ श्रद्धा करते हैं। वो दोनों के श्रद्धा में बहुत अंतर हैं। जो समझ करके श्रद्धा करते हैं तो वो अपने जीवन शैली में परिवर्तन ला सकते हैं,
सोच की ढंग में भी परिवर्तन ला सकते हैं, हम एक सचमुच एक धार्मिक आदमी बन सकते हैं। यह अत्यंत आवश्यक है, विशेष रूप से जो आधुनिक के शिक्षा से तथाकथित शिक्षित लोग हैं। आधुनिक शिक्षा यथार्थ में ठीक ढंग शिक्षा तो देते नहीं, वो केवल एजुकेशन है। एजुकेशन जो है वो सूचना मात्र प्रदान करते हैं, शिक्षा वो हैं मनुष्य को शिक्षित करते हैं। तो शिक्षा के अर्थ हैं शील, समाधि और प्रज्ञा, त्रिशिक्षा जिसको कहते हैं, जो मनुष्य को एक अनुशासन में रखते हैं और चित्त की वृत्तियों को समझने की क्षमता प्रदान करते हैं और उससे प्रज्ञान उदय होता है। वैसा शिक्षा तो आजकल है नहीं। आजकल जो एजुकेशन के नाम से जो चल रहे हैं वो मात्र एक मात्र एक सूचना मात्र हैं। महात्मा गांधी ने इसका नाम दिया है अक्षर ज्ञान। आधुनिक शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान देते हैं और उस अक्षर ज्ञान का अक्षर का अर्थ का ज्ञान नहीं देते हैं। इस प्रकार के जो शिक्षित लोग हैं वो थोड़ा बहुत जिज्ञासु तो हो ही जाते हैं और जिज्ञासु होने के बाद अपने धर्म के प्रति भी कुछ प्रश्न उठाते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलने पर धर्म के प्रति श्रद्धा भी उनका ह्रास होता है, क्षय होता है और केवल परंपरा की श्रद्धा जो हैं उनको बनाए नहीं रख पाते हैं। तो इसलिए जो शिक्षित वर्ग हैं उनको बुद्ध धर्म की शिक्षा इतना नहीं भी मिले, बौद्ध साइंस और बौद्ध दर्शन की शिक्षा निश्चित रूप से उनको मिलना चाहिए। अगर वो मिलते रहें तो उनकी आधुनिक शिक्षा भी एक उपयोगी होगा, नहीं तो वो आधुनिक शिक्षा जो है वो केवल सूचना मात्र होकर के रह जाएंगे। तो इसलिए मेरा निवेदन यही है कि यथासंभव यथाशक्ति बौद्ध दर्शन बौद्ध साइंस की प्रशिक्षण छोटे छोटे पाठ्यक्रम की माध्यम से और उसके साथ जो अशिक्षित निराक्षर हैं या बुजुर्ग हैं उन लोगों के लिए यथार्थ में अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने परलोक को सुधारने के लिए एक सरल धर्म का उपासना किस ढंग से किया जा सकता है उसका भी पाठ्यक्रम बनाए जा सकते हैं। ऐसा हो तो बहुत अच्छा होगा। ये संगठन लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन एक शक्तिशाली और एक प्रासंगिक संगठन है, इसलिए इस संगठन के माध्यम से आने वाले 100 वर्षों में लद्दाख के समाज का क्या अभिलक्षा है और उन अभिलाषाओं को किस प्रकार से उद्देशित किया जा सकता है और उनका किस माध्यम से उपलब्ध किया जा सकता है, सफलता प्राप्त किया जा सकता है, एक दृष्टिकोण जिसको विजन अंग्रेजी में कहते हैं। आने वाले 100 वर्षों में हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकते हैं और उन चुनौतियों को कैसा हम समाधान कर सकते हैं और अभी तत्कालिक रूप से
हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या मांग हैं, उन सब को देखते हुए एक दीर्घकालिक शैक्षणिक और धार्मिक कार्यक्रम एक दृष्टिकोण के साथ बनाना बहुत आवश्यक है। उसके लिए 4-5-10 प्रज्ञावान लोग का एक सीमित जैसा हो, वो 4-5 महीना गवेषणा करें, शोध करें कि हमारे आने वाले पीढ़ी में किस प्रकार के लोग उदय हो रहा है, धर्म संस्कृति और परंपरा की दृष्टि से अच्छी चीज़ क्या क्या हो रहे हैं और उनके विपरीत क्या क्या हो रहे हैं, क्या क्या हमारा चुनौती हो सकते हैं जो इस संस्कृति को, इस परंपरा को संरक्षित रखने के लिए विपदाएं क्या हैं, उसको पहचाना। और आज की युवा पीढ़ी की, विशेष रूप से आधुनिक शिक्षित, आधुनिक एजुकेटेड युवा पीढ़ी की मांग क्या है, उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, उन सब का एक बड़े प्रकार शोध किया जाए। उस शोध के आधार पर उन सब चुनौतियों से निपटने के लिए हम किस प्रकार से योजना को बनाना चाहिए और उनकी कार्यान्वयन करना चाहिए, और उससे फिर बड़े स्तर पर संगोष्ठी हो, विचार विमर्श हो, फिर उससे एक योजना बने और उस योजना के आधार पर बुद्ध एसोसिएशन अपने काम को चलाएं, तो आपके सारे संसाधन एक सही उपयोग हो सकेंगे और आपके परिश्रम बहुत फलदायक और सफलता के उन्मुख होंगे, ऐसा मेरे विचार हैं। नहीं तो हर समय हम तत्कालिक रूप से कोई चीज़ करते हैं, आज कोई समस्या आया तो उसका समाधान ढूंढ लिया, कल दूसरा कोई समस्या आया तो उसका समाधान ढूंढ लिया, समस्याओं का क्या क्या हो सकता है उसके पूर्व अनुमान हम लगा नहीं पाए और उसके समाधान भी एक दूर गमीन रूप से हम तैयार ना कर पाए, तो उसमें फिर हमारे साधन भी क्षय होंगे, हमारे परिश्रम भी क्षय होंगे और बहुत बड़ा सफलता हमको नहीं मिलेगा। तत्कालिक कार्य को करना तो है जो रोजमर्रे आवश्यकताएं हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक दूरगामी विचार और दूरगामी दृष्टिकोण और उसकी योजना होना अत्यंत आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है। हम सब सामाजिक प्राणी हैं और संगठन जब बनते हैं तो उसमें अनेक प्रकार की समस्याएं भी होते हैं, लेकिन मूल रूप से धार्मिक के संगठन या सांस्कृतिक संगठन होने की जो मूल स्वरूप हैं उसको रखते हुए अपने को जो वर्तमान भारतवर्ष में दलगत राजनीति है, जिसको बहुदलीय प्रजातंत्र के रूप में हम सोच रहे हैं, हम चला रहे हैं, बहुदलीय प्रजातंत्र गांधी जी को, विनोबा जी को स्वीकार नहीं थे, जयप्रकाश नारायण जी भी दल रहित प्रजातंत्र की वकालत करते थे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। अब इस समय बहुदलीय प्रजातंत्र की प्रणाली से हम चल रहे हैं, तो इसलिए धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों को दलगत राजनीति के प्रभाव में
ना आवें, अपने को उससे अलग रखें। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी दल का विरोध करें या सभी दलों का विरोध करें, लेकिन अपने मूल जो कार्य प्रणाली हैं उसमें समय समय पर दलगत राजनीति का सीधे रूप से या अप्रोच रूप से हमें उपयोग करना, हमें उसमें घिसटना, क्योंकि हर मनुष्य हर संगठन में रहना पड़ता है, वो सामाजिक नियम है। तो एक आदमी किसी दल का भी सदस्य होंगे और बुद्धिस्ट एसोसिएशन का भी महत्वपूर्ण सदस्य होंगे और अन्य संगठन के भी महत्वपूर्ण सदस्य होंगे, लेकिन वो अपने कर्तव्य में अलग अलग रखना चाहिए। जिस दल में, जिस राजनीतिक दल में वह रहते हैं तो उसका काम ईमानदारी से करें, लेकिन उस काम को बौद्ध समाज की या बुद्धिस्ट एसोसिएशन के काम के साथ मिलाया ना जाए, और बुद्धिस्ट एसोसिएशन की जो कार्य हैं वो दलगत राजनीति उनकी जो अपने बौद्ध सक्रिय उसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन वो अपने कर्तव्य को कार्य को अच्छे रूप से विभाजित करके अलग रख सकें। तो इन सारे कामों को एक बार योजनाबद्ध होने के बाद स्थानीय युवक नेतृत्व का निर्माण करना बहुत जरूर होगा, उसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा सकता है, और स्कूलों के अध्यापकों को भी धर्म निरपेक्ष पाठ्यक्रम को चलाते हुए भी बौद्ध सांस्कृतिक और बौद्ध दर्शन का पुट उसमें कैसा ला सकता है उसका भी प्रशिक्षण किया जा सकता है। और ये सारे काम को कार्यान्वयन करने के लिए हर स्तर पर स्थानीय नेतृत्व, सक्षम नेतृत्व, कम उम्र की और आधुनिक शिक्षा से, आधुनिक एजुकेशन से अच्छे तरह से एजुकेटेड हो और परंपरा को भी जाने, इन दोनों के समन्वय हो, ऐसा प्रयास किया जाए तो आप एक बहुत बड़ा, लद्दाखी के लिए नहीं, भारतीय के लिए भी नहीं, संपूर्ण मानव जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए अब एक बहुत बड़ा योगदान देंगे, ऐसा मेरे विश्वास है। और मैं त्रिरत्न से प्रार्थना करूंगा कि इस कार्य में आप सफल हो। जय जगत।